नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए फिर से मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूँ। आज हम MCB के बारे में जानेंगे, MCB को खोलकर देखेंगे किस तरह से इसके पार्ट जो है वर्किंग करते हैं, क्या इसका फंक्शन है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जितने भी आप चाहे ITI से हो या फिर डिप्लोमा से हो चाहे BTech से हो, जितने भी प्रैक्टिकल टेक्निकल के प्रैक्टिकल है वो मैं आपको इस चैनल पर करवाता हूँ। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग ITI इलेक्ट्रिकल से हैं और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर मैं रोजाना बेस पे क्विज डालता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे और आपको अपना लेवल जो है वो पता लगता रहे। तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है MCB, यानी इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले इसका काम जान लेते हैं, काम क्या है। दोस्तों यह हमें सर्किट में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन प्रदान करती है, यानी कि हमें ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करती है और दूसरा शॉर्ट सर्किट करंट से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों आज के ज़माने में इसका यूज होता है, परंतु आज से पहले 10-12 साल अगर मैं पहले की बात करूं तो उस टाइम पे इसके स्थान पर इस्तेमाल होता था फ्यूज़ का। तो दोस्तों आपने सभी ने फ्यूज़ को देखा होगा कि पुराने समय में हम लोग चीनी मिट्टी के जो फ्यूज़ बने होते थे उन्हें हम लगाते थे, उसमें तार लगाते थे। और तो फ्यूज़ का जो चलन है वो आजकल के टाइम में समाप्त हो चुका है, तो उसकी जगह पर हम MCB का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बेसिकली ये लाइन के सीरीज में लगती है और हमेशा फेज वायर में लगाई जाती है। दोस्तों हमेशा इसे फेज वायर में लगाना चाहिए। और दोस्तों नियम BIS 3871 के अनुसार ये जो MCB है 0.5 एम्पियर से लेकर के 53 एम्पियर तक हमें मार्केट में मिलती है, बनाई जाती है। और दोस्तों यह जो MCB है ये 6 एम्पियर की MCB है। यहाँ पर इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं, B6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 6 एम्पियर। और उसके बाद में ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10000A, यानी कि 10000 एम्पियर। इसका मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है उस टाइम पर ये 10000 एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें दे सकती है। दोस्तों इनका उपयोग जो है बेसिकली लाइटिंग परिपथों में किया जाता है, AC में, मिक्सर में, हीटर में, आदि उपकरणों में किया जाता है। दोस्तों एक बात इम्पोर्टेंट इसके अंदर मैं और बता दूं कि इसका जो चैन है इसकी नॉब के कलर के अनुसार भी होता है। इसकी नॉब भी विभिन्न प्रकार के कलर में आती है, जैसे कि जितने भी लाइटिंग सर्किट है उनके जो नॉब की कलर होती है वो हरे रंग की होती है। अगर आपको ये MCB लाइटिंग परिपथ में यूज़ करनी है तो आप हरे रंग वाली नॉब का इस्तेमाल कीजिए। नियम के अनुसार दोस्तों बेसिकली आप कोई भी कलर की MCB कहीं भी लाइटिंग सर्किट में यूज कर सकते हैं, परंतु नियम के अनुसार अगर देखें तो लाइटिंग परिपथ में जो MCB यूज होती है उसकी नॉब हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। इसके अलावा मोटर परिपथ में जो MCB यूज होती है उनकी जो नॉब है उनका नीला कलर होता है, नीले कलर की नॉब मोटर परिपथ में यूज़ की जाती है। इसी तरह से जो ब्लैक कलर की नॉब है उसे DC सर्किट में यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से जो लाल कलर की नॉब है उसे आइसोलेटर में यूज़ किया जाता है। तो ये तो थी दोस्तों MCB की बात, और आपको बता दूं कि इस तरफ से ये ऑन होती है और जैसे भी कोई लाइन में फॉल्ट आता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर हमारा जो घर का लोड है ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड मीन्स मान लीजिए जैसे कि ये 6 एम्पियर की MCB है और हमने इस पे लोड डाल दिया 8 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, तो उस टाइम पे ये हमें सुरक्षा प्रदान करेगी और ये ट्रिप हो जाएगी। तो ओवरलोड से भी सुरक्षा करती है और इसके साथ साथ ये हमें शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा देती है। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका कवर है, इसका फ्रेम है, यह ग्लास या फिर पॉलीएस्टर का बनाया जाता है। और अब हम इसे खोल लेते हैं। दोस्तों नॉर्मली ये खुलती नहीं है क्योंकि इसके रिपीट लगा करके इसे लॉक कर दिया जाता है, इसे खोलने के लिए इन्हें तोड़ना पड़ता है, तो हमने पहले ही इसे खोल रखा है। तो दोस्तों ये देख लीजिए इसके अंदर की मशीनरी, आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी ये नॉब है, यहाँ पर इनपुट वायर लगती है, यहाँ से हमारी इनपुट वायर आएगी और यहाँ पर हमारी आउटपुट वायर आएगी, और इस तरफ से ये हमेशा स्विच ऑन रहेगा और यहाँ पर ये ऑफ रहेगा। अब देखिए ये इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे कार्य करती है।
सबसे पहले इनपुट इस टर्मिनल से आती है और यहाँ से आने के बाद में ये जो टर्मिनल है इस पत्ती के साथ में कनेक्टेड है। दोस्तों ये जो आप पत्ती देख पा रहे हैं ये बाय मेटल मटेरियल की बनाई जाती है, बाय यानी कि दो धातुओं का मिश्रण से मिलाकर ये बनाई जाती है। दोस्तों अब देखिए ये वर्किंग कैसे करती है। जब भी हम इसे ऑन करते हैं तो इस पत्ती से होते हुए ये कॉपर का कंडक्टर है और कंडक्टर जो है वो यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और यहाँ कनेक्ट होने के बाद में इसकी जो वायरिंग है इस कॉइल में जाती है। ये आप तांबे की कॉइल देख सकते हैं और इस कॉइल में से होते हुए यहाँ पर हमें आउटपुट मिलती है। अब अपने एक कंडीशन मानते हैं, वो कंडीशन ये है कि इसकी जो पावर रेटिंग है वो है 6 एम्पियर और आपके घर में लोड जो है वो है 10 एम्पियर का, तो उस टाइम पे इस एमसीबी के लिए वो जो लोड है वो क्या है, ओवरलोड है। तो उससे हमें ये सुरक्षा कैसे प्रदान करेगी, तो उस टाइम पे ये जो पत्ती आप देख रहे हैं मिश्र धातु की बाय मेटल मटेरियल, तो ये क्या करेगी, ये गर्म होगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वायर में से अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह गर्म होती है। ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है और उसी कारण ये जो पत्ती है एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के कारण ही नीचे की तरफ मूव करती है और जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगी और ऑटोमेटिकली हमारी जो एमसीवी है वो आप देख सकते हैं ट्रिप हो चुकी है। अब ये ट्रिप कैसे होती है, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। दोस्तों इस पत्ती के नीचे आपको एक ग्रीन कलर की और एक और पत्ती दिखेगी, आप देख पा रहे होंगे कैमरे के अंदर। इस पत्ती के नीचे आपको एक ग्रीन कलर की पत्ती और दिख रही होगी। तो दोस्तों ये इसके एक्सपेंड होने के कारण ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करती है और नीचे की तरफ मूव करने से ये इस ग्रीन पत्ती के ऊपर टच करती है और इसे दबाव डालती है और यहाँ दबाव डालने से इसके ट्रिगर पर भी दबाव डालता है और ट्रिगर पर दबाव डालने से ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। एक बार फिर से इसे देख लीजिए। अभी दोस्तों इसे स्लो मोशन में देख लीजिए। तो दोस्तों ये तो थी ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात। अब दोस्तों ओवरलोड के टाइम जब ये ट्रिप करती है तो उस टाइम कुछ आर्क इसमें उत्पन्न होती है, चाहे आप इसे स्टार्ट करते हो या फिर ये ट्रिप करती हो या फिर आप खुद से इसे ट्रिप करते हो, तो उस समय इसमें आर्क उत्पन्न होती है और उस आर्क को कंट्रोल करने के लिए इसमें आर्क एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है जो कि स्टील की पत्तियों से मिलकर के बना होता है। आर्क को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए आर्क एक्सटिंग्विशर इसमें लगाया जाता है जो कि इस तरह से है। दोस्तों ये तो थी ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि करंट यहाँ से होते हुए इस कॉइल में जाता है और इस कॉइल में जाने के बाद में यहाँ से हमें टर्मिनल पर करंट मिलता है। अब दोस्तों मान लीजिए एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, कहीं से न्यूट्रल फेस की तार आपस में भिड़ चुकी है या फिर कोई उपकरण खराब हो चुका है जिसमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आई है, तो उस समय देखो होगा क्या कि आप सभी को पता है कि शॉर्ट सर्किट के समय जो करंट का मान है वो बहुत अधिक होता है और जब करंट का बहुत अधिक मान इस कॉइल में से गुजरेगा तो ये जो कॉइल है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, बहुत ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और इस कॉइल के अंदर आपको दिखा दूं कि एक पिन लगी होती है, इस कॉइल के अंदर एक पिन लगी होती है। तो दोस्तों जब ये कॉइल अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो उस फील्ड के कारण इसके अंदर जो एक पिन लगी हुई है वो बाहर की तरफ धकेलेगी, यानी कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये पिन जो है वो बाहर की तरफ आएगी और जब ये बाहर की तरफ आएगी तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ हो जाएगा और जब ये ट्रिगर नीचे की तरफ हो जाएगा तो हमारी जो एमसीवी है वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगी। आप फिर से इसे देख लीजिए, मान लीजिए कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुई है और उस समय में इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना है और उस फील्ड के कारण इसमें जो पिन है वो बाहर की तरफ आई है और उसने इसके ट्रिगर को धकेला है और जैसे ही इसके ट्रिगर को धकेलेगा वैसे ही ये ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी एमसीबी पर वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।